कक्षा 11 विषय गणित प्रश्नावली 15 अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आर बी त्रिपाठी प्रश्न 21। एक दीर्घवृत्त एक धागे से बनाया जाता है जो दो पिनों के ऊपर से गुजरता है। यदि इस प्रकार बने दीर्घवृत्त के अक्ष क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हो तो धागे की लंबाई और दोनों पिनों के बीच की दूरी को ज्ञात करो। सबसे पहले हमारे पास जो अक्ष दिए उससे पता लग रहा है कि बड़ी अक्ष 6 है, छोटी अक्ष 4 है। मतलब क्या, दीर्घ अक्ष 6 है और लघु अक्ष 4 है। तो हम लिख सकते हैं दीर्घवृत्त की कौन सी दीर्घ अक्ष, दीर्घवृत्त की दीर्घ अक्ष मानना क्षैतिज दीर्घवृत्त है, इसलिए 2a बराबर इस 6 तो a बराबर इसे 3। लघु अक्ष 2b बराबर इसे 4, मतलब b की वैल्यू 2। माना कि दो पिन क्रमशः जो दो पिनों की कंडीशन दी है वो एक s पर है और दूसरी एस डेस पर है। माना कि दो पिन क्रमशः एस व एस डेस ये दीर्घवृत्त की नाभियों की स्थिति है। ये दोनों के दोनों दीर्घवृत्त की क्या है, नाभियां हैं। मान ले रहे माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है, माना दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P है। ऐसी कंडीशन में अब P से S व P से S डैश दीर्घवृत्त के बिंदु P की दीर्घवृत्त पर बिंदु P की नाभि दूरी, नाभि से दूरी इसलिए अब देखेंगे धागे की लंबाई। जो धागे की लंबाई होगी वो क्या होगी, पी से एस धन पी से एस डैश। P बिंदु की नाभि दूरियां PS और PS डैश है। अब सीधी सी बात है PS धन PS मतलब दीर्घ अक्ष की लंबाई हुई। दीर्घ अक्ष की क्या हो जाएगी, लंबाई। और हम जानते हैं क्या, दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो 6 इकाई है। दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर से 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब धागे की लंबाई, अतः धागे की लंबाई वो भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। आगे देखें पिनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको उत्केंद्रता की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम ABE व E का रिलेशन जानते हैं। ABE में समान क्या होता, B की घात 2 बराबर से A की घात 2 1 माइनस E स्क्वायर। तो क्या B मतलब 2 तो 2 दुनी 4, A मतलब 3, 3 तिया
नौ, वन माइनस ई स्क्वायर, चार बटे नौ बराबरी से वन माइनस ई स्क्वायर, ई स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ई स्क्वायर बराबरी से वन माइनस फोर बाय नाइन, ई स्क्वायर इक्वल टू नौ में से चार को घटाएंगे पांच बटे नौ, वर्गमूल लेंगे तो ई बराबरी से करनी पांच बटे तीन, उत्केंद्रता आ गई। अब इसलिए धागे की लंबाई तो आ गई, अब काहे कि पिनों के बीच की दूरी को निकाल रहे हैं, पिनों के बीच की दूरी वो नाभि दूरी होगी एस एस डेस बराबरी से दो ए ई के बराबर, मतलब क्या, दो गुणित ए का मान तीन, ई का मान कितना, करनी पांच बटे तीन, तो तीन से तीन कट गया, ओ सॉरी करनी पांच, करनी पांच बटे तीन, तो तीन से तीन कट गया, तो क्या आ गया बराबरी से दो करनी पांच सेंटीमीटर दोनों पिनों के बीच की दूरी। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल, धन्यवाद। Thank you.